यस क्लास 11 बेटा, हम चैप्टर पढ़ रहे थे सेल साइकिल और सेल डिवीजन। ठीक है, तो कल सेल साइकिल के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, कौन कौन से फेज होते हैं उसमें, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, फिर M फेज, वो सारी हमने बात कर ली थी कि G1 फेज में क्या होता है, S फेज में क्या होता है, G2 फेज में क्या होता है, M फेज में क्या होता है, ये सब बातें हम कर चुके थे बेटा। आज देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें, चेक पॉइंट नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत बार इस एग्जाम में कि चेक पॉइंट क्या होता है, चेक पॉइंट ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है बेटा चेक पॉइंट ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल के क्या चेक पॉइंट्स है वो देखते हैं। देखो चेक पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जांच करने वाला, चेक पॉइंट होते हैं ना बहुत, हम जाते हैं कि कहीं हाईवे पर जा रहे हैं तो जगह जगह पर चेक पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जहाँ पर चेकिंग की जाती है, जांच की जाती है कि सब कुछ रेडी है कि नहीं है, सब कुछ सही है कि नहीं है। ठीक है, तो चेक पॉइंट ऑफ सेल साइकिल में भी यही चीज़ चेक की जाएगी कि अच्छा जो सेल डिवाइड होने जा रही है उसमें सब कुछ प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कि सेल साइकिल में कौन कौन से चेक पॉइंट होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। ठीक है, देखो नॉर्मल से बात कर रहे हैं हम, नॉर्मल सेल मूव इन ए साइकिल, इन ए सेल साइकिल इन ए रेगुलर वे। ठीक है, इन ए रेगुलर वे। ठीक है, तो सेल साइकिल एक रेगुलर, नॉर्मल सेल है तो एक सेल साइकिल उसका जो रेगुलर वे में चलता रहता है। ठीक है, आगे देखो, दिस रेगुलेशन मेक श्योर दैट द सेल डू नॉट डिवाइड इन अनफेवरेबल कंडीशन। ये रेगुलेशन है जो रेगुलर वे है, इसमें ये भी चेक किया जाता है कि सेल अनफेवरेबल कंडीशन में कहीं डिवाइड ना करे। तो दिस रेगुलेशन मेक श्योर दैट सेल डू नॉट डिवाइड इन अनफेवरेबल कंडीशन। देखो ये जरूरी होता है कि सेल ये श्योर करे कि वो अनफेवरेबल कंडीशन में कहीं सेल डिवाइड ना करे। ठीक है, इसके लिए क्या क्या होता है, चेक पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ठीक है, अब सेल के जो, चाहे हम बाहर की बात करें, सेल के एक्सटर्नल और इंटरनल जो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, वो सेल डिवाइड करना है या नहीं करना है उसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई सेल साइकिल है तो सेल डिवाइड करेगा तो सेल डिवाइड को भी सिग्नल मिलेंगे ना सेल डिवीजन के लिए, तो उसके लिए एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम बात करेंगे बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिग्नल्स has been examined to decide whether to move or divide or not, whether move for division or not। ठीक है, देखो एक्सटर्नल और इंटरनल सिग्नल्स हैं। ठीक है, वो एग्जामाइन करते हैं कि सेल को आगे डिवाइड के लिए मूव करना है या नहीं करना है। तो दोनों तरह के सिग्नल्स काम आएंगे, हम बात करेंगे इंटरनल सिग्नल्स भी और एक्सटर्नल सिग्नल्स भी। सेल्स को ये डिसाइड किया जाता है कि सेल डिवाइड करेगी या नहीं करेगी, इसके लिए एक्सटर्नल और इंटरनल सिग्नल्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। देखो अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट चेक पॉइंट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट चेक पॉइंट। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चेक पॉइंट कौन कौन से हैं, G1 चेक पॉइंट,
जी टू चेक पॉइंट, एम चेक पॉइंट। ठीक है, तो देखो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट कौन से हैं, जी वन चेक पॉइंट, जी टू चेक पॉइंट और एम चेक पॉइंट। देखो ये डायग्राम के थ्रू मैं समझा रहा हूँ कहाँ कहाँ जी होते हैं। जैसे ये सेल साइकिल वाला डायग्राम था हमारे, ठीक है, हम बात कर रहे थे ये था हमारा जी वन फेज, ये एस फेज, ये जी टू फेज और ये एम फेज। तो जी वन फेज ये था, एस फेज ये था, जी टू फेज ये था, एम फेज ये था। ठीक है, सेल साइकिल का ये फेज था। अब हम बात करें जी वन चेक पॉइंट, तो जी वन यही होगा चेक पॉइंट। ठीक है, हम बात करेंगे जी टू चेक पॉइंट, तो जी टू चेक पॉइंट यहाँ होगा। और हम बात करेंगे एम पॉइंट, तो जी यहाँ पर होगा चेक पॉइंट, एम चेक पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ वाला कौन सा होगा बेटा, ये जी वन चेक पॉइंट। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ये, तो ये होता है हमारे जी टू चेक पॉइंट। और ये हम बात करेंगे तो एम चेक पॉइंट। तो देखो जी वन खत्म होने से पहले जी वन चेक पॉइंट आता है, जी टू खत्म होने से पहले जी टू चेक पॉइंट आता है, और एम के बीच में ही, ठीक है, एम चेक पॉइंट आ जाता है। तो देखो चेक पॉइंट क्या हो गया बेटा, सिंपल सी चीज़ है, चेक पॉइंट वह स्टेज आएगी, वह स्टेज होएगी जब सेल से ये डिवाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा कि सेल को इस फेज में जाना है या नहीं जाना है। फिर यहाँ से चली गई, डिवाइडेशन हो गया, फिर यहाँ पर आएगी, तो फिर आगे ये डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, फिर जी टू फेज आएगी, तो यहाँ पर चेक किया जाएगा कि सेल्स को आगे डिवीज़न करना है या नहीं करना है। फिर डिवीज़न की भी अलग अलग स्टेज होती है, मैंने कल आपको बताया था प्रोफेज। पहली स्टेज कौन सी होती है, प्रोफेज। दूसरी कौन सी होती है बेटा, मेटाफेज। तीसरी कौन सी होती है, एनाफेज। चौथी कौन सी होती है, टीलोफेज। कौन सी होती है, ये तीन फेज, चार फेज होती है। तो जो जी एम फेज हो, एम चेक पॉइंट होता है, वो मेटाफेज पर होता है। कहाँ पर होता है, यहाँ पर। अब यहाँ पर देख लिया जाता है कि यार अच्छे से है क्रोमोसोम्स वो स्पाइनल फाइबर पर अटैच हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर ये चेक कर लिया जाता है। ठीक है, तो एम फेज में, मेटाफेज पर ये चेक पॉइंट होता है। तो चीज़ समझ में आई क्या बेटा, चेक पॉइंट ऑफ सेल साइकिल का होगा क्या, चेक पॉइंट वह जगह होगी, हम कह सकते हैं, या वह स्टेज होगी जहाँ पर सेल्स को चेक किया जाएगा कि वो सब रेडी है, वो आगे वाले स्टेज में जा सकती है। ठीक है ना, तो इससे पहले, आगे वाले स्टेज में जाने से पहले उसका चेकिंग होना सेल्स का, कि सारे प्रॉपर है, प्रोटीन्स वगैरह सारे हैं, ठीक है, सेल अच्छे से ग्रोथ कर पाई है, तो उसको आगे भेजा जाता है, नहीं तो वहीं पर वो सेल साइकिल रुक जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम जी वन चेक पॉइंट क्या है, जी टू चेक पॉइंट क्या है और एम चेक पॉइंट क्या है। देखो अब पहला है हमारे जी वन चेक पॉइंट, कौन सा है बेटा, जी वन चेक पॉइंट। ठीक है, इसको मेमेलियन सेल की बात करें तो इसको रेस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेमेलियन सेल में इसको रेस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट भी बोला जाता है। ठीक है, हम बात करेंगे, इसको स्टार्ट पॉइंट भी बोला जाता है। ओके, ये ईस्ट सेल में, और ये हमारी होगी मेमेलियन सेल में। ठीक है, अब देखो जीवन चेक पॉइंट हो गया, कि जीवन चेक पॉइंट को हम रेस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट भी बोल सकते हैं, स्टार्ट पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मेमेलियन सेल की बात करेंगे तो उसको रेस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट बोलेंगे, अगर ईस्ट सेल की बात करेंगे तो उसको स्टार्ट पॉइंट बोलेंगे, जनरली इसको जीवन चेक पॉइंट बोलते हैं। अब ये क्या चेक करेगा यहाँ पर, ठीक है, वो पॉइंट्स लिखने हैं कि यार जीवन चेक पॉइंट में सेल का क्या चेकिंग होगी, क्या ऑब्जर्वेशन किया जाएगा सेल के अंदर। ठीक है, तो हम बात करेंगे ये सेल साइज, देखो क्या क्या करेगा, सेल साइज इज एनफ लार्ज टू डिवाइड। ठीक है,
कि सेल साइज एनएफ इतनी लार्ज साइज ले लिया है उसने, मतलब हमने कहा था ना यहाँ जीवन में कि सेल ग्रोथ करता है, सेल ग्रोथ करता है, तो यहाँ पर यही देखा जाएगा कि सेल अच्छे से प्रॉपर रूप से ग्रोथ कर लिया है, सेल की साइज अच्छे से बढ़ गई है, ठीक है, और वो अब तैयार है डिवाइडेशन के लिए, तो ये चेक किया जाएगा, ठीक है। और क्या चेक किया जाएगा कि एनएफ रॉ मटेरियल है भाई सेल आगे यहाँ पर क्या होने वाला है, डीएनए रेप्लिकेशन होने वाला है। एस फेज में क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, हमने कहा ना क्रोमोसोम्स का रेप्लिकेशन या डीएनए का रेप्लिकेशन, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन एंजाइम्स वो सब बनेंगे कि नहीं बने हैं इसके अंदर, तो वो भी चेक करा जाएगा। तो हम कहेंगे एनएफ रॉ मटेरियल जिससे एंजाइम प्रोटीन, एंजाइम प्रोटीन और एटीपी एनर्जी, ठीक है। तो ये भी देखा जाएगा कि सेल में ये एंजाइम बराबर मात्रा में है कि नहीं है, प्रोटीन्स है कि नहीं है, एनर्जी स्टोर है कि नहीं है, ठीक है। तो वो सब भी चेक किया जाएगा किसके अंदर, जीवन चेक पॉइंट में, ठीक है। और क्या चेक किया जाएगा, देखो डीएनए रेप्लिकेशन होना तो होना है यहाँ पर आगे वाली इस फेज में, तो उससे पहले ये चेक किया जाएगा कि कहीं डीएनए में डैमेज तो नहीं है, ठीक है। अगर डीएनए में डैमेज होगा तो यहाँ पर रेप्लिकेशन के लिए उसको नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चेक किया जाएगा, चेक्स फॉर डीएनए डैमेज, कि कहीं डीएनए में डैमेज तो नहीं है, ये भी चेक करेंगे बेटा। आगे हम बात करेंगे आगे क्या चेक करेगा, ठीक है। अगर ये सारी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर ये सारी, देखो ये सारी चीज़ें अगर कमी है, कहीं एनएफ रॉ मटेरियल नहीं है अगर सेल के अंदर, ठीक है, डीएनए डैमेज है या उसने अच्छे से ग्रोथ नहीं की है, तो सेल को वहीं रोक दिया जाएगा, आगे वाली स्टेज में नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। तो ए सेल दैट डज नॉट मीट ऑल द रिक्वायरमेंट will not progress to the S phase, ठीक है, ये याद रखेंगे बेटा। आगे हम बात करेंगे, देखो सेल साइकिल को रेगुलेट कौन करते हैं, तो इसमें ये भी देखते हैं कि साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेड काइनेज CDKS, ठीक है, साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेड काइनेज आर सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। सेल को सिग्नल देने वाले मॉलिक्यूल कौन है, साइक्लिन या साइक्लिन डिपेंडेड काइनेज मॉलिक्यूल दैट रेगुलेट द सेल साइकिल। पूछ ले भाई सेल साइकिल को रेगुलेट करने वाले कौन है, तो साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ये सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं। तो पूछ लेते हैं कौन से सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, तो साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। तो ये बात कर ली बेटा हमने किसकी, जीवन फेज की। तो जीवन फेज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, जीवन स्टेज में प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसको जीवन चेक पॉइंट बोलते हैं, या इसको अगर हम मेमेलियन सेल की बात करें तो इसको रेस्टिकेशन चेक पॉइंट भी बोला जाता है, या अगर यीस्ट सेल की बात करेंगे तो इसको स्टार्ट पॉइंट भी बोला जाता है। यहाँ पर क्या चेक किया जाएगा, यहाँ पर ये देखा जाएगा कि सेल की साइज एनएफ है या नहीं है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एनएफ रॉ मटेरियल है या नहीं है, जैसे एंजाइम प्रोटीन एटीपीज, ठीक है। और कहीं अगर डीएनए रेप्लिकेशन होने वाला है, कहीं डीएनए में डैमेज तो नहीं है, अगर डीएनए में डैमेज होगा तो यहाँ पर अगर रेप्लिकेशन कर जाएगा तो डैमेज डीएनए ही बनेगा, तो ये भी चेक किया जाएगा कि कहीं डीएनए में डैमेज तो नहीं है। ये सारी कंडीशंस अगर फुलफिल हो जाती है, ठीक है ना, कि इसमें कोई भी कमी नहीं है, तब जाके सेल आगे एस फेज में एंटर करती है, नहीं तो सेल एस फेज में एंटर नहीं करेगी। अगर आपको पूछ ले सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कौन से हैं जो सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, तो हम बात करेंगे साइक्लिन की और साइक्लिन डिपेंडेड काइनेज की, ठीक है, ये बात हो गई बेटा। अब हम बात करते हैं आगे, हमारा दूसरा चेक पॉइंट कौन सा है, G2 चेक पॉइंट। तो दूसरे चेक पॉइंट की बात करते हैं हम, G2 चेक पॉइंट
देखो जी टू चेक पॉइंट में क्या होगा बेटा, देखो यहाँ से अब रेडी हो गया था कि डीएनए में डिबेज नहीं है, तो यहाँ ने डीएनए रेप्लिकेशन कर लिया। अब आगे जी टू फेज आएगी, ठीक है। जी टू फेज के बाद में यहाँ पे भी सेल की ग्रोथ होगी, सेल डिवीजन के लिए रिक्वायरमेंट जो प्रोटीन्स वगैरह हैं वो सब बनेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। तो अब जी टू फेज के बाद आपको पता है एम फेज आएगी, और एम फेज में क्या होगा, न्यूक्लियर का डिवीजन होगा और सेल का डिवीजन होगा, ठीक है ना। अल्टीमेटली एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा एम फेज में। तो यहाँ पर डिवीजन होने से पहले जी टू चेक पॉइंट आता है, वहाँ पर सेल को चेक किया जाता है। क्या चेक करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये चेक करेंगे कि यार एस फेज में जो डीएनए की कॉपी बनी है, ठीक है, वो अच्छे से बनी है या नहीं बनी है, प्रॉपर रूप से बनी है कि नहीं बनी है, ठीक है। क्योंकि देखो जीवन फेज के बाद एस फेज आया, यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, इसका मतलब डीएनए की एक और कॉपी बन गई। अब यहाँ पर देखा जाएगा कि डीएनए की जो कॉपी बनी है वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या चेक किया जाएगा बेटा, इट चेक्स द डीएनए कॉपीड प्रॉपरली इन एस फेज और नॉट। समझ आई बात कि एस फेज में बनी है या नहीं बनी है, ठीक है। ये तो ये जी एस फेज में हमने कहा कि डीएनए रेप्लिकेशन होगा, और डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो इसका मतलब डीएनए की एक और कॉपी बनेगी। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब ही होता है बेटा डीएनए से डीएनए की कॉपी बनना, उसको क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चेक किया जाएगा कि अच्छा एक कॉपी बनी है जो डीएनए की एस फेज में, वो सही है कि नहीं है, प्रॉपर है तो वो आगे डिवाइड करने के लिए भेजेगा, अगर प्रॉपर नहीं है तो वो नहीं भेजेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे द रेप्लिकेटेड DNA is not damaged, देखो उसमें कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, बिफोर सेल एंटर माइटोसिस, मतलब सेल माइटोसिस यानी एम फेज में एंटर करने से पहले ये देखा जाएगा कि जो DNA का रेप्लिकेशन हुआ है और DNA की जो कॉपी बनी है उसमें किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं है। अगर देखो बिल्कुल सा भी थोड़ा सा भी डैमेज है, अगर सपोज करो डीएनए में डैमेज आ गया तो अब क्या होगा, तो रिपेयरिंग मशीन चलेगी, ठीक है ना। तो उस डीएनए डैमेज को सही किया जाएगा, कहाँ पर, जी टू फेज में सही किया जाएगा, उसके बाद आगे जाएगा, ठीक है। देखो इफ माइनर एरर्स आर फाउंड, ठीक है, सेल साइकिल, ठीक है, परफॉर्म्स रिपेयर मैकेनिज्म, बात करेंगे परफॉर्म रिपेयर मैकेनिज्म, अगर यहाँ पर डैमेज है, ठीक है, तो अगर डीएनए में कोई डैमेज है भी, अगर हल्का सा इसमें डैमेज भी है, ठीक है, सही बेस पेयर अगर नहीं जुड़ा है तो वहाँ पर क्या चलेगा, रिपेयर मैकेनिज्म चलेगा, सेल के द्वारा किस क्या किया जाएगा, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म किया जाएगा, जहाँ पर अगर कहीं डिफेक्ट है डीएनए में तो उसको सही किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, अगर देखो डैमेज तैयार हो रहा है तो ठीक है कि डैमेज ऐसा है कि वो रिपेयर हो जाएगा, अगर डैमेज ऐसा है कि वो रिपेयर नहीं होगा, ठीक है, तो उसको आगे डिवाइडेशन के लिए नहीं भेजा जाएगा, वो सेल वहीं स्टॉप हो जाएगी डिवाइडेशन के लिए, ठीक है। तो हम बात करेंगे इफ द डैमेज इज नॉट पॉसिबल टू रिपेयर, सेल परफॉर्म, ठीक है, एपोप्टोसिस, ठीक है। अगर देखो रिपोर्ट नहीं हो रहा है तो एपोप्टोसिस मतलब सेल की डेथ हो जाएगी, क्या हो जाएगी वहां पर ही, एपोप्टोसिस मतलब सेल की डेथ, ठीक है, तो वहीं सेल को उसको रोक दिया जाएगा, एपोप्टोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये श्योर किया जाएगा कि सेल आगे एम फेज में न जाए। तो देखो अगर डीएनए रिपेयर करेगा, अगर रिपेयर हो रहा है तो ठीक है, अगर रिपेयर नहीं हो रहा है तो वहीं एपोप्टोसिस कर दिया जाएगा, इसका मतलब सेल की वहीं डेथ कर दी जाएगी और फिर सेल को आगे
डिवाइडेशन के लिए नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि देखो अगर डैमेज ही है तो सेल डिवाइड करके तो डैमेज ही सेल बनेगी, ठीक है। तो ये पूरा ध्यान रखा जाता है, ठीक। ये तो G2 चेक पॉइंट हो गया बेटा, क्या हो गया G2 चेक पॉइंट, तो समझ में आ गया होगा बिल्कुल। G2 चेक पॉइंट में क्या होता है कि एस फेज में जो DNA का रेप्लिकेशन हुआ है और DNA रेप्लिकेशन के द्वारा एक DNA की कॉपी बनी है, तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि जो DNA की कॉपी बनी है वो प्रॉपर है कि नहीं है, कहीं उसमें डैमेज तो नहीं है। अगर डैमेज है तो उसको रिपेयर किया जाएगा रिपेयर मैकेनिज्म के द्वारा। अगर रिपेयर नहीं होता है, ठीक है, ऐसा डैमेज है कि वो रिपेयर नहीं हो पा रहा है, तो वहीं उस सेल्स की एपोप्टोसिस यानी उसकी डेथ कर दी जाएगी, ठीक है। सेल को आगे एम चेक पॉइंट में जाने से रोक दिया जाएगा, मतलब सेल को एम फेज में जाने से रोक दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि सेल को डिवाइडेड होने से रोक दिया जाएगा। अब हम बात करें तो फिर एम फेज में क्या चेक करेंगे, चलो सब कुछ प्रॉपर हो गया, अब जाके सेल किस में जाएगी, एम फेज में, मतलब सेल डिवाइड करेगी। अब क्या करेगी, सेल डिवाइड, तो एम फेज में क्या चेक किया जाएगा वो देख लेते हैं बेटा। अब हम बात कर रहे हैं एम चेक पॉइंट किसकी, एम चेक पॉइंट की, ठीक है। तो देखो ये एम चेक पॉइंट होता कहाँ है, ये ध्यान रखना, ये होता है एट द एंड ऑफ मेटाफेज। मेटाफेज खत्म होने वाला है उसके लास्ट में, यानी मतलब मेटाफेज है ये, तो मेटाफेज स्टेज के लास्ट में यहाँ पर ये चेक पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या चेक फॉर द क्रोमोसोम, देखो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, ये हमारे यहाँ पर स्पाइनल फाइबर बनते हैं, ये क्या बनते हैं बेटा ऐसे, ये सेंट्रियोल है, ठीक है, ये सेंट्रियोल है, सेल के सेंट्रियोल, यहाँ पर ये क्या बने, स्पाइनल फाइबर, क्या बने, यहाँ पर क्रोमोसोम्स अटैच हो जाते हैं, क्या होते हैं बेटा ऐसे क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो अच्छे से स्पाइनल फाइबर पर अटैच हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो ये चेक किया जाता है। तो देखो ये जो बने हैं ये स्पाइनल फाइबर होते हैं, यहाँ पर ये क्रोमोसोम्स आके अटैच होते हैं, तो इसमें ये देखेंगे कि क्रोमोसोम्स अच्छे से अटैच है कि नहीं है। तो चेक फॉर द क्रोमोसोम अटैचमेंट, तो यहाँ क्या चेक करेंगे बेटा, चेक फॉर क्रोमोसोमल अटैचमेंट टू स्पाइंडल एट मेटाफेज, ठीक है, ये बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं अगर मिसमैच हुआ, क्रोमोसोम्स का कोई मिसमैच आ गया है, ठीक है ना, क्रोमोसोम अच्छे से प्रॉपर रूप से मैचिंग नहीं हो पाई है, ठीक है, मिसमैच क्रोमोसोम हो गया है, तो वहीं पर उस मेटाफेज स्टेज में ही उस सेल को रोक दिया जाएगा, ठीक है। इफ मिसप्लेस्ड, अगर देखो मिसप्लेस्ड हुआ है सही, अगर क्रोमोसोम अच्छे से उस स्पाइनल फाइबर पर नहीं जुड़े हैं तो उसको वहीं रोक दिया जाएगा। मिसप्लेस्ड क्रोमोसोम इज फाउंड, अगर ये पाया जाता है तो क्या हो जाएगा बेटा, माइटोसिस स्टॉप, वहीं पर माइटोसिस को क्या कर दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया सब बात, हम बात कर ली कि इंटरनल सिग्नल काम करते हैं इसके अंदर, अब हम बात कर रहे हैं बेटा एक्सटर्नल सिग्नल की, किसकी, एक्सटर्नल सिग्नल की, भाई एक्सटर्नल सिग्नल भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं सेल साइकिल के लिए। तो एक्सटर्नल सिग्नल्स क्या है, ठीक है, देखो इफ द एक्सटर्नल सिग्नल्स आर नॉट फेवरेबल, अगर देखो एक्सटर्नल सिग्नल्स भी फेवरेबल नहीं है, जैसे टेम्परेचर ये एक्सटर्नल सिग्नल में आता है, अगर ये टेम्परेचर भी फेवरेबल नहीं है, ठीक है, इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स की भी कमी है, ठीक है, और एनर्जी की कमी है, ठीक है, तो सेल्स G0 फेज में चल जाएगी, किसमें, G0 स्टेज में। हमने कल ही बात की थी ये रेस्टिंग स्टेज होता है, ऐसा स्टेज होता है जिसमें सेल डिवाइड नहीं करती है। तो ये एक्सटर्नल सिग्नल्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर है, न्यूट्रिएंट्स है, एनर्जी है, अगर ये प्रॉपर रूप से सेल के पास नहीं है तो सेल कहाँ चली जाएगी बेटा, G0 स्टेज में चली जाएगी। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस
एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऐसे पूछा जाता है कि जी पॉइंट जी वन चेक पॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जी टू चेक पॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है, एम चेक पॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है, जी वन चेक पॉइंट में किसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, जी टू में क्या किया जाता है, ठीक है, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म कहाँ की चेकिंग कहाँ की जाती है, ठीक है, एम चेक पॉइंट होता है जो मेटाफेज के कौन से स्टेज में पाया जाता है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट था हमारा सेल साइकिल, और सेल साइकिल के बाद हमने पढ़े सेल साइकिल के चेक पॉइंट, ठीक है बेटा। तो सेल साइकिल में हमने देखो कल हम बात की थी सेल साइकिल की, तो हमने इसकी बात की थी, ये तो होते हैं इंटरफेज, यहां से यहां तक होता है इंटरफेज, और यहां होता है हमारा माइटोटिक फेज, ठीक है। तो देखो हम क्या पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं इंटरफेज की, सेल साइकिल की इंटरफेज पढ़ लिया, जी वन फेज पढ़ लिया, एस फेज पढ़ लिया, जी टू फेज पढ़ लिया, उसके बाद हमने इसमें पाए जाने वाले चेक पॉइंट्स पढ़ लिए, ठीक है, सारे चेक पॉइंट देख लिए। अब हम आगे जो बात करेंगे वो करेंगे एम फेज की, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे माइटोसिस की, किसका, जिसमें हम क्या करेंगे बेटा, सेल्स का डिवाइडेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, सेल का डिवाइडेशन कर देंगे, और एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखो माइटोसिस होगा तो सीधी सी बात है न्यूक्लियस का भी डिवीजन होगा, सेल ऑर्गेनल्स के भी डिवीजन होंगे, सारे हैं ये, ठीक है। तो कैसे सेल डिवाइड करती है और कैसे क्रोमोसोम्स एक सेल से दूसरे सेल में, दो सेल्स में डिवाइड पहुँचते हैं अलग अलग, तो ये सारे चेक पॉइंट। तो चेक पॉइंट याद रखना बेटा, जी वन चेक पॉइंट, जी टू चेक पॉइंट और एम चेक पॉइंट, और इनके फंक्शन याद रखना, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी बेटा, थैंक यू वेरी मच।